अकलतरा में पूर्व सैनिकों ने मिशन जज्बा नाम की अनोखी पहल को शुरू किया है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें पूर्व सैनिक युवाओं और बेरोजगारों को भारतीय सेना में भर्ती के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं और देश प्रेम के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। यह अभ्यास 16 अक्टूबर और 9 नवंबर को होने वाली चयन प्रक्रिया को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। आपको बता दें कि मिशन जज्बा का ये दूसरा सीजन है। पहली बार में 5 युवा चयनित हो चुके हैं। मिशन जज्बा की अगुवाई करने वाले रोहित साथी खुद एक सैनिक रहे हैं और 17 साल सेना में सेवा दे चुके हैं। इनका कहना है कि वह शक्ति का दुरुपयोग रोकने और देश प्रेम बढ़ाने के लिए लोगों में जज्बा जगाना और बेरोजगारी दूर करना प्रयास का मुख्य लक्ष्य है। असामाजिक तत्व हमारे समाज के बीच और हमारी युवा शक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमने सोचा कि एक ऐसा मिशन चलाया जाए जिसमें इस युवा शक्ति का उपयोग हो और वो राष्ट्रहित में हो पड़े और वे हमें अच्छी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं जिससे हम देश की सेवा कर सकें। और हम चाहते हैं कि हमारे आस पड़ोस के जितने भी भाई हैं हम सबको प्रेरित करें कि यहाँ पर आएं और कुछ सीखें। सागर में राज्य